दोस्तों, आज जो ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं हमारे पास है, 18वीं सदी में वैसा कुछ भी नहीं था। कई मुसीबतों का सामना करके लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ट्रांसपोर्ट में सुधार तब हुआ जब 19वीं सदी की रेल क्रांति आई। उस समय ऐसी ऐसी जगहों पर रेलवे ट्रैक पहुंचाए गए जहां पर पहुंचना ही बहुत मुश्किल था। इस वीडियो में आप ऐसे ही कुछ खतरनाक रेलवे ट्रैक के बारे में जानेंगे। नंबर एक, व्हाइट पास अलास्का अमेरिका। यह रेलवे रूट अमेरिका के अलास्का प्रांत में बनाया गया है। इसकी लंबाई 176 किलोमीटर है। इसे 19वीं सदी में खोला गया था। 1982 में जब कोयला उद्योग धस गया तब इसे बंद करना पड़ा। फिर 1988 में इसे दोबारा से पर्यटन के लिए खोल दिया गया। इस ट्रैक के एक तरफ पहाड़ी तथा दूसरी तरफ गहरी खाई है, जिसे देखकर आपकी आंखें भी डर के मारे बंद हो जाएंगी। यह पूरा ट्रैक एक बर्फीले क्षेत्र से होकर निकलता है। नंबर दो, ट्रेन ए लॉस न्यूब्स अर्जेंटीना। यह ट्रैक इतनी ऊंचाई पर है जहां हमेशा बादल छाए रहते हैं और ट्रेन को बादलों से होकर गुजरना पड़ता है, जिसके कारण इसे ट्रेन ऑफ क्लाउड भी कहा जाता है। अंधीर पर्वतमाला से होकर गुजरने वाला यह खूबसूरत रास्ता नॉर्थ वेस्ट अर्जेंटीना से होता हुआ चिली की सीमा तक जाता है। 1948 में 27 साल की मेहनत से बनाया गया यह ट्रैक आवाजाही के लिए शुरू हुआ। 4220 किलोमीटर की ऊंचाई पर काम करना इंजीनियर और वर्कर के लिए बहुत मुश्किल था। इस ट्रैक पर 21 सुरंगें, 29 पुल और 13 इनलैंड ब्रिज हैं और पूरा ट्रैक जिगजैग नुमा शेप में बना हुआ है। कुछ जगहों पर तो रेल आपको सांप की तरह घूमती हुई नजर आएगी। नंबर तीन, कुरंदा सिनिक रेलवे ऑस्ट्रेलिया। यह 34 किलोमीटर लंबा रेल ट्रैक 1882 से 1891 के बीच ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया, जो कि एक घने जंगल से होकर गुजरता है, जो विश्व धरोहर बैरन नेशनल पार्क और मैक एलिस्टर रेंज को जोड़ता है। यह रास्ता कई गहरी खाइयों, खूबसूरत झरनों और तीखे मोड़ों से भरा हुआ है। एक झरना तो ऐसा है कि जब रेल वहां से गुजरती है तो झरने का पानी यात्रियों को भिगो देता है। नंबर चार, जॉर्ज टाउन लूप रेल रोड कोलोराडो अमेरिका। 7.2 किलोमीटर लंबा यह रेलवे ट्रैक नैरो गेज पर बना हुआ है, जिसका मेन कारण दो पहाड़ों को जोड़ना है। 1877 में बना यह ट्रैक 640 फीट की खड़ी चढ़ाई पर स्थित है। जिन लोगों को ऊंचाई से डर लगता है वो लोग इस ट्रैक पर जाने का परहेज करें। इस ट्रैक की ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि ट्रेन बहुत ही सावधानी और धीरे धीरे इस ट्रैक से गुजरती है। नीचे हजारों फीट गहरी खाई और ऊपर फराटे से गुजरती ट्रेन सबको रोमांचित करती है। नंबर पांच, चेन्नई टू रामेश्वरम रूट इंडिया। 1914 में बनाया गया यह पुल समुद्र के ऊपर बना है, जो कि 2.6 किलोमीटर लंबा है। साउथ इंडिया में बना यह पुल चेन्नई शहर को रामेश्वरम से जोड़ता है। यह पुल बीच में से खुलता भी है ताकि जहाज और फेरी आसानी से आ जा सके। कंक्रीट के 145 पिलर्स पर टिका यह ट्रैक हमेशा समुद्री लहरों तथा तूफानों के निशाने पर होता है। यह ट्रैक बहुत ही रोमांचक भरा है। पानी का स्तर कई बार इतना बढ़ जाता है कि ट्रेन पानी को चीरते हुए आगे बढ़ती है। दोस्तों, इन ट्रैक में आपको कौन सा ट्रैक सबसे ज्यादा पसंद आया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी सबको पता चल सके, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।